दोस्तों निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म में डेब्यू करने वाले मनोज टाइगर आज भोजपुरी फिल्मों के कॉमेडी किंग बन चुके हैं। दोस्तों लोग इनको मनोज टाइगर के नाम से कम और बताशा चाचा के नाम से ज्यादा जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं मनोज टाइगर के बेटी से मिलाने वाले हैं और उनका कुछ फोटो और वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल भोजपुरी सेलिब्रिटी पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मनोज टाइगर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी दोस्ती निरहुआ से चलत मुसाफिर मोह लिया रे फिल्म के दौरान हुई और यह दोस्ती काफी रंग लाई। मनोज टाइगर ने निरहुआ के साथ काफी सफल फिल्में की हैं। हालांकि इन्होंने रवि किशन, खेसारी लाल और पवन सिंह के साथ भी कई फिल्में की हैं, लेकिन इनकी जोड़ी निरहुआ के साथ खूब बनती है। दोस्तों मनोज टाइगर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गांव के रामलीला से किए थे। हालांकि यह वहां सीरियस का किरदार किया करते थे। एक बार आरएसएस के कैंप में इन्होंने कॉमेडी का प्रदर्शन किया और वहां दर्शकों की ठहाकेदार हंसी ने इनके अंदर के कॉमेडियन सीन का परिचय कराया। मनोज टाइगर जैसे तैसे मुंबई आए और यहां के मशहूर पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिए। यहां नेताजी का प्लेटफार्म शो नाटक में उनका बउआ का रोल काफी मशहूर हुआ। इनके उस समय के साथी निर्देशक मनीष ओझा ने इनका काम देखा था और इन्होंने अपनी भोजपुरी फिल्म चलत मुसाफिर मोह लिया रे में चांस दिया और मनोज टाइगर के काम से प्रभावित निर्माता निर्देशक ने इन्हें इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आगे चलकर सुपरहिट रही। कई फिल्म जैसे निरहुआ रिक्शा वाला, हो गए वे प्यार और धनिया वाली से और श्रीमान ड्राइवर बाबू में साइन कर लिया था। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म में इनका किरदार बताशा चाचा अमर हो गया। तभी से लेकर अभी तक लोग इनको बताशा चाचा के नाम से काफी जानते हैं। तो दोस्तों ये तो रही मनोज टाइगर के जर्नी के कुछ बातें। चलिए अब मैं आपको इनके बेटी से मिलाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रहा है यही है इनकी बेटी। मैं आपको बता दूं कि इनकी बेटी देखने में बेहद खूबसूरत है और इनका नाम है खुशी। दोस्तों ये अभी अपनी स्कूली पढ़ाई कम्प्लीट कर रहे हैं। जब इनकी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी तब आपको ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। सो गाइज यही थी मनोज टाइगर उर्फ बताशा चाचा की बेटी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल भोजपुरी सेलिब्रिटी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।